हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 12 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जिसे आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया इज ऑन ट्रैक टू रिड्यूस एमिशंस। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर said that India was the only major G20 country that was on track towards keeping to its nationally determined commitments to halt runaway global warming. It had achieved 21% of its emissions intensity reduction target as a proportion of its GDP, in line with its pledge to a 33-35% reduction by 2030, he said. So, Environmental Minister ka ye kehna hai ki India मेजर G20 कंट्री में सबसे बड़ी कंट्री है जिन्होंने ये ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की थी और एमिशन हटाने का काम स्टार्ट की थी। और उनका ये कहना है कि इंडिया सिर्फ G20 में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से सिर्फ इंडिया ही था जो अपने एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए GDP के प्रोपोर्शन तक एक रिडक्शन टारगेट रखा था, जो 21% तक अचीव हो चुका था। और उनका यह भी कहना है कि यह 33-35% तक रिडक्शन किया जाएगा 2030 तक। इन 2015, अहेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिग्निफिकेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस, इंडिया अनाउंस 3 मेजर वॉलंटरी कमिटमेंट्स कॉल्ड द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंप्रूविंग द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 33-35% बाई 2030 over 2005 levels, increasing the share of non-fossil fuel based electricity to 40% by 2030 and enhancing its forest cover, thereby absorbing 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide. So, United Nations ki taraf se jo climate conference rakha gaya tha Paris pe, wahan pe India ne 3 major commitment li thi. और वो 3 मेजर कमिटमेंट का नाम दिया गया था नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो उसमें 3 जो कॉन्ट्रीब्यूशन दी गई है, वो 3 कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम क्या क्या है, तब किस किस चीज के ऊपर ये कमिटमेंट किया गया है। कि सबसे पहला था कि इम्प्रूविंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33-35% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल्स। सो जो एमिशंस होते हैं, जो बहुत सारे एयर पोल्यूशन के लिए जो एमिशंस होती है, उसको रिडक्शन किया जाएगा 33-35% तक, 2030 तक वो किया जाएगा। सेकंड कमिटमेंट था इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू 40% बाय 2030। सो हम लोग को पता है फॉसिल फ्यूल यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, सो इनका कहना था कि 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी चलाई जाएगी। इस पे फोकस किया जाएगा कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स की यूज करके इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाए, वो इंक्रीज की जाए और 40% तक की जाएगी 2030 तक। और फॉरेस्ट कवर बढ़ाई जाएगी, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट बनाया जाएगा, बहुत सारी ट्रीज लगाई जाएगी जो 2.5 टू 3 बिलियन तक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। सो तीन मेजर कमिटमेंट किया गया था पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के दौरान 2015 में। सबसे पहला था कि एमिशंस को कंट्रोल किया जाएगा, जो धुएं होते हैं जो एयर पोल्यूशन को खराब करते हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा। सेकंड, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाएगी, उसमें उसको बढ़ाया जाएगा। और थर्ड, बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे, फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, जिससे 2.5 टू 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेज इन पॉजिटिव टेरिटरी फॉर सेकंड मंथ एट 3.6%। इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू एट फास्टर पेस इन 8 मंथ्स इन अक्टूबर 2020 at 3.6% with consumer durables production
सरपासिंग लेवल्स लास्ट सीन प्रायर टू द कोविड 19 पैंडेमिक। तो इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो देखा गया कि लास्ट 8 मंथ में बहुत ज्यादा फास्ट पे ग्रो कर रही है, और अक्टूबर 2020 में देखा गया कि 3.6% तक इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो हुई है। विथ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्शन सरपासिंग लेवल्स लास्ट सीन प्रायर टू कोविड 19 पैंडेमिक, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन देखा गया है कि कोविड 19 आने से पहले जो प्रोडक्शन थी उसको क्रॉस कर चुकी है। एज पर क्विक एस्टिमेट्स फ्रॉम द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस रिलीज ऑन फ्राइडे, और ये डेटा नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा तरफ से दी गई है, दिस वॉज द सेकेंड मंथ इन अ रो दैट इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ, बट इकोनॉमिस्ट वर कॉशंस अबाउट कॉलिंग इट अ टर्न अराउंड एज अक्टूबर्स नंबर वर बोल्स्टर्ड बाय पेंट अप एंड फेस्टिव डिमांड एंड हेल्प्ड बाय अ लो बेस एज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज श्रंक 6.6% इन अक्टूबर 2019। सो ये सेकेंड मंथ था जहां पे ये ग्रोथ देखा गया इंडस्ट्रियल आउटपुट पे, लेकिन इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि अक्टूबर के मंथ में जो ये ग्रो हुआ है इसे हम टर्न अराउंड नहीं कह सकते, क्योंकि अक्टूबर का मंथ फेस्टिव सीजन था और फेस्टिवल के डिमांड के वजह से भी ये प्रोडक्शन बढ़ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 अक्टूबर 2019 में देखा गया था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 6.6% तक गिर चुकी थी। सो इसे हम टर्न अराउंड नहीं कर सकते, हमें आगे देखना पड़ेगा और आगे कॉशन रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, पीएम एंड उज्बेक प्रेसिडेंट डिस्कस अफगान प्रोजेक्ट्स। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान प्लान टू कोऑपरेट ऑन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान एंड विल पार्टिसिपेट इन अ ट्रिलैटरल डायलॉग विद ईरान, said the two sides after talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev during a virtual summit on Friday. So Prime Minister Narendra Modi और Uzbekistan के President ने बातचीत की और उन्होंने cooperate करने का बातचीत किया कि अफगानिस्तान में वो लोग connectivity project तैयार करेंगे, और वो लोगों ने ये भी कहा कि वो लोग एक trilateral dialogue में participate करेगी जिसमें ईरान भी include रहेगी। Both addressed the need to fight terrorism and shared the same vision on the future of Afghanistan peace process. So, दोनों का मोटो एक ही है कि वो लोग टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे और अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में वो लोग हिस्सेदार बनेंगे। इंडिया ऑल्सो कन्फर्म द अप्रूवल ऑफ अ $448 million लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन उज्बेकिस्तान in the areas of road construction, sewage treatment and information technology. So India ne Uzbekistan mein $448 million line of credit mein lagaya Uzbekistan ki development projects ke liye, jaise ki road construction, sewage treatment and information technology. And specific projects under the line of credit were being identified at present. So ये सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट में पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट किया। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। द लैंसेट सिटीजंस कमीशंस ऑन री इमेजिनिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम अ क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव टू डेवलप सिटीजंस रोड मैप टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज in India over a period of 10 years was launched online on Friday. So COVID-19 के वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है Indian citizens को और बहुत ज़्यादा problem हुआ है पूरे world को. So इससे उभरने के लिए Lancet Citizen Commission ने मिलके एक नया health system तैयार किया है जिसे कहा है The Lancet Citizen Commission's on Reimagining India's Health System, a cross-sector initiative to develop citizens' roadmap to achieving universal health coverage. So, universal health coverage developed किया गया है, जो कि launched किया गया है online. और ये India के 10 years तक ये health system coverage रहेगी. The commission's co-chairs announced at the event on Friday
evening that it was first of its kind participatory country-wide initiative in collaboration with world's leading health journal The Lancet and the Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute Harvard University. So ये जो commission किया गया है, ये जो health coverage system बनाया गया है, ये world के जो leading health journalist journal है The Lancet और लक्ष्मी मित्तल फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये लोग दोनों ने मिलके ये कोलैबोरेशन किया है और ये तैयार किया है. नेक्स्ट, चाइना राइज हैज अट्रैक्टेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन इन द मिड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द लास्ट 3 decades. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड मशरूमिंग ऑफ मेनी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, चाइनाज राइज हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी. Chief of Defense Staff General Bipin Rawat stated on Friday. So Chief of Defense Staff General Bipin Rawat का कहना है कि 3 साल में, last 30 साल में जो इतने झगड़े हुए हैं, इतने conflict हुई है, फिर global financial crisis हुआ है, मतलब पूरे जो world में ये financial crisis हो रहा है, पैसे की जो crisis हो रही है, और multilateral organizations जो इतनी सारी उभर के आ रही है, इन सब के बीच चाइना ने अपना मोमेंट देखा और चाइना राइज किया. चाइना का राइज हर किसी ने देखा. 21st सेंचुरी में चाइना का राइज देखा गया, चाइना उभर के आया ऊपर. इन रिसेंट ईयर चाइना इकोनॉमी एंड मिलिट्री राइज कपल्ड विद कंपटीशन टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन हैज अट्रैक्टेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन. सो ये भी कहना है कि चाइना का इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों राइज हुआ, दोनों उभर के ऊपर उठा, और इन दोनों ने जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज कर दिया. और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का अटेंशन अट्रैक्ट किया है. तो चाइना ने पूरे वर्ल्ड का अटेंशन लिया है और खुद के ऊपर अट्रैक्शंस भी लाए हैं, और ये दिखाया कि 21st सेंचुरी में चाइना ने कितना राइज किया. Next, Election Commission looks at e-voter ID from next state polls. The Election Commission is keen to make the electoral's photo identity card or EPIC available in electronic form. In other words, you could soon carry your voter ID card on your phone, just like an electronic boarding pass that is downloadable ahead of your journey by air. So, Election Commission का ये कहना है कि जो हमारे electoral photo identity card होते हैं, मतलब जो वोटर कार्ड होती, वो वोटर कार्ड में जो एपिक नंबर्स अवेलेबल रहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन सोच रही है कि इसे डिजिटल किया जाए, ई वोटर आईडी किया जाए. इसका मतलब आप अपना वोटर आईडी आपके फोन में सिर्फ डाउनलोड करके रख सकते हो, बस आपके फोन में दिखाना है, वो स्कैन हो जाएगा और आपका जो मतलब आप वोट दे सकते हो. Currently, the EPIC is only available in hard copy and has to be produced in original by voter on election day. फिलहाल ये कब होने वाली है, ये डिजिटल कब होगा, ये किसी को भी पता नहीं है. ये फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने सोचा है, यह बताया गया है. तो अभी जब भी इलेक्शन डे आने वाली है, अभी आपको नॉर्मली हार्ड कॉपी लेके जाना है, हार्ड वोटर आई डी कार्ड लेके जाना है जो आपके पास है, उससे ही आपको वोटिंग करना है. इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कब बनेगा, मोबाइल फोन से जो किया जा सकता है वो कब बनेगा, वो अभी किसी को पता नहीं है, वो आने में बहुत वक्त है. तो शायद नेक्स्ट ईयर के 2022 के बाद से शायद ये हो सकता है. फिलहाल हमारे हार्ड कॉपीज पे ही, हार्ड कॉपीज को ही लेके जाना पड़ेगा फुल एग्जाम इलेक्शन डे में पोल में देने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, Israel Morocco pact follows a history of secret dealings. Behind the announcement on Thursday that Israel and Morocco will establish their first formal diplomat ties, there lies almost 6 decades of close secret cooperation on intelligence and military matters between the two nations that officially did not acknowledge each other. So थर्सडे को ये अनाउंसमेंट किया गया कि आफ्टर 3 अरब कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन,
सुदान, ये तीनों के बाद अब मोरक्को भी इसराइल के साथ अपना रिलेशनशिप को अच्छा कर लिया, नॉर्मल कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट था। मोरक्को और इसराइल बहुत पहले से ही लास्ट 60 ईयर्स से एक दूसरे की हेल्प करते आ रही है। ये हेल्प शायद वो एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करती थी, लेकिन ये सीक्रेट कोऑपरेशन होता था और इंटेलिजेंस सिस्टम जो था वो सीक्रेट था इन लोगों के बीच, और जो मिलिट्री मैटर्स था वो भी एक दूसरे से एक्नॉलेज नहीं की जाती थी, एक दूसरे को बताई नहीं जाती थी। ऐसा लगता था कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाती कि हम लोग दुश्मन हैं। ऐसा ही कुछ ऐसा ही होता था। तो इन दोनों ने लास्ट 60 ईयर्स में ऐसा क्या किया जिसे हम लोग सीक्रेट्स कह रहे हैं, इतनी बड़ी सीक्रेट्स कह रहे हैं, सीक्रेट डीलिंग्स कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया वो है, इसराइल हैज हेल्प्ड मोरक्को ओपटेन वेपन्स एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग गियर एंड लर्न हाउ टू यूज देम एंड हेल्प इट असैसिनेट एन ऑपोजिशन लीडर। सो इसराइल ने मोरक्को को हेल्प किया वेपन गैदर करने के लिए, जो हथियार होते हैं वो खरीदने के लिए, और इंटेलिजेंस भी गैदर करने के लिए। इससे क्या होता है, इससे वो लोग तैयार होते हैं, लड़ाई करते हैं, इंटेलिजेंस को बांटते हैं। और उसके बाद उन्होंने इसराइल ने मोरक्को को ये भी हेल्प किया कि ऑपोजिशन लीडर को कैसे मारा जाता है, तो कैसे असैसिनेट किया गया है वो भी उससे हेल्प किया गया है। और मोरक्को ने क्या हेल्प किया, मोरक्को हैज हेल्प्ड इसराइल टेक इन मोरक्कन ज्यूज, मोरक्को में जो ज्यूज रहते थे उनको इसराइल में पहुंचाया गया, माउंट एन ऑपरेशन अगेंस्ट ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट जो ऑपरेशन उन लोगों ने तैयार किया था, और अरब कंट्रीज, दूसरे अरब कंट्रीज के ऊपर स्पाई भी किया गया था, नजर रखी गई थी, नजरदारी भी की गई थी। इन दोनों के बीच में दोस्ती थी क्या दुश्मनी थी यह नहीं पता, लेकिन लास्ट 60 ईयर्स में इन लोगों ने एक दूसरे के लिए इतना कुछ हेल्प किया, और अभी जाके इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल टाइम में आया और ये फॉर्मली फॉर्मली अनाउंसमेंट किया गया। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट अमंग 18 इन नासाज मैन मून मिशन, राजा जॉन वुडपुत्तुरचारी एन इंडियन अमेरिकन यूएस एयरफोर्स कॉलोनल इज अमंग 18 एस्ट्रोनॉट्स, हाफ ऑफ देम वोमेन, हु हैव बीन सिलेक्टेड बाय नासा फॉर इट्स एम्बिशियस मैन मून मिशन इन द मून एंड बियॉन्ड। सो इंडिया के राजा जॉन वुडपुत्तुरचारी, जो एक इंडियन अमेरिकन यूएस एयरफोर्स कॉलोनल है, उनको नासा ने चूज किया है 18 एस्ट्रोनॉट में से एक जो मून पे जाएगी, और वो 18 में आधे से ज्यादा वोमेन भी शामिल है। इससे क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि जो मून में जाएगी ये फर्स्ट वुमेन भी मून में जाने वाली है। द मॉडर्न लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम विल लैंड द फर्स्ट मून, फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन ऑन द मून इन 2024। द एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ह्यूमन लूनर प्रेजेंस बाय द एंड ऑफ द डिकेड एंड अमेरिकन स्पेस एजेंसी से, सो 2024 तक ये मून मिशन होगा और ये मून में एक सस्टेनेबल ह्यूमन लूनर प्रेजेंस को स्टैब्लिश करेंगे जाके, जहाँ जैसे कि हमारे जैसे कि स्पेस में एक स्पेस स्टेशन है, वैसे ही बोला जा रहा है कि मून में भी एक छोटा सा स्टेशन टाइप बनाई जाएगी जहाँ पे लोग जा सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे दूसरे दूर वाले ग्रहों में जाने के लिए, दूर वाले प्लैनेट्स में जाने के लिए और ज़्यादा सुविधा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेज, और 12 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, फियर हैज टू मीनिंग्स, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और फेस एवरीथिंग एंड राइज, द चॉइस इज योर्स। तो फियर, FEAR, फियर का दो मतलब होता है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन और फेस एवरीथिंग एंड राइज। फियर मतलब क्या होता है, फियर मतलब होता है डर। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं,
डर जाते हैं, हार मान जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो यही कहा गया है कि डर का दो ही मतलब होता है, फियर का दो ही फुल फॉर्म होता है, एक फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, आप सब कुछ भूल जाए और भाग जाए, या फिर आप सब कुछ फेस करे और राइज करे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको डर के भागना है या डर के लड़ना है और आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा कि सक्सेस कभी भी आपको इजीली नहीं मिलती, सक्सेस के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, और आपके सामने जितने भी ऑब्स्टेकल आएंगे, जितने भी बाधाएं आएगी, आपको वो पार करना है। अब वो आप लड़ के पार करो कि डर के पार करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फियर का दो ही मतलब होता है, आप हार मान जाओ, सब कुछ भूल जाओ, भाग जाओ, या फिर आप सब कुछ फेस करो, लड़ो और आगे बढ़ो, और सक्सेस आपके साथ होगी। आप इसे फॉलो करें, आपकी जो चॉइस है वो आप करें, लेकिन अगर सक्सेस को पाना है तो आपको हर चीज को फेस करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बाधाएं पार करनी पड़ेगी और सक्सेस को अचीव करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।